फरियादी हम आ गए। और अगर मेरा घर टूट जाता तो हम पीतल का गिरा देते। जी वो पीतल का भरा छोटे चौधरी जी का आसान बनकर मेरे सर पर रहता। बचपन के साथ खेले हुए असलम को छोटे चौधरी के नाम से पुकारोगी तो अच्छा नहीं होगा। बचपन की नादानी पर जवानी का पर्दा पड़ चुका है, इसलिए मैं जानती हूँ आप हवेली में रहने वाले हैं और मैं अच्छी होता हूँ। रजिया, जब हम बचपन में मट्टी के घर बनाकर आपस में बदल लेते थे तो फिर क्या वजह है कि तुम मेरी हवेली को अपना घर क्यों नहीं समझते? असलम, तुम्हारी ये बातें कहीं रजिया को मगरूर ना बना दी। उसमें मगरूर ना हो तो फिर मोहब्बत भी उसके सामने सर न झुकाए। रजिया, मैं आखिरी बार तुमसे बिछड़ के शहर तालीम खत्म करने जा रहा हूँ। घबराओ नहीं रजिया, अब की वापसी के बाद हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं। सलाम अलैकुम चौधरी जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ईमान बख्शे, आज मालूम हुआ कि हमारे छोटे चौधरी जी भी जवान हो गए। बदतमीज, मुझसे गुस्ताखी करेगा तो घर से निकलवा दूंगा। अल्लाह ईमान बख्शे, हम हजाम लोग को इतने इज्जतदार हुआ करते हैं कि बड़े बड़े जमींदार घंटों सर झुका कर रखते हैं। कल्लू पास बंद करो। अल्लाह ईमान बख्शे। अरे तुम रजिया भी मुबारक हो। अरे कौन सी ऐसी जागीर मिली जिसकी मुबारकबाद दी जा रही है? रजिया भी असलम मियां तो ऐसी जागीर शरीफ कहीं थी, मैंने होता तुमने सब कुछ सुन लिया और देख भी लिया कि बीबी की आंखों की प्यास बुझ गई तो कुएं पर से खाली ही मटका लेकर वापस आ गई। कल्लू भैया, अपने औजार कहाँ भेजा है? ये देखो खुदा की राह में भक्ति जा रही है। उधार बनवाने से तो बढ़ने दो, दुआएं देगी अल्लाह ईमान बख्शे। अरे कल्लू भैया, आज कुछ रूठे हुए मालूम होते हो। क्या बात है? क्या बात है? क्यों भैया, क्या हजामों की इज्जत नहीं हुआ करती? क्यों नहीं, बस तो अभी जाकर चौधरी जी से कहता हूँ। क्या हुआ? अपनी आदत किसी की चुगली खाने की नहीं है, किसी से कहना मत छोटे चौधरी जी रजिया को प्यार करते हैं अल्लाह ईमान बख्शे। अच्छा जी, यही तो कहने जा रहा हूँ, तुमने खामोखा को बीच में रोक ली। सलाम अलैकुम चौधरी जी। वालेकुम सलाम। अबे आज तुम मंगल के दिन कैसे आ गया? अल्लाह ईमान बख्शे, मंगल का सितारा ही कुछ ऐसा होता है कि सोचो कुछ और होता है कुछ और। क्या मतलब? जी अपनी आदत नहीं किसी की चुगली खाने की, मगर आपका नमक खाता हूँ इसलिए मजबूरन कहना पड़ता है कि छोटे चौधरी जी कच्चे मकान वाली रजिया से मोहब्बत करने लगे अल्लाह ईमान बख्शे। तुझे कैसे मालूम हुआ? इन आँखों ने खुद देखा है अल्लाह ईमान बख्शे। अबे साथ के खेले लड़ा थोड़ी करते हैं, और फिर तेरी तो आदत है जरा सी बात का बतंगड़ बना देना। इसमें जरा भी झूठ नहीं है अल्लाह ईमान बख्शे। अच्छी बात है, असलम को शहर तालीम के लिए तो जा लेने दे, सब ठीक हो जाएगा। रोजी आप एक घड़ा मैं ले जाऊं। अरे सलमा, तुम इतने बड़े चौधरी की भतीजी हो, तुम क्यों इतनी तकलीफ करो? घर का काम काज करना हर औरत का फर्ज होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। तो अभी मेरे हाथ नहीं टूटे। तुम तो मुझे हमेशा गरीब समझती हो। तो मैं तुमको अपना समझकर यहाँ रोज पानी भरवाऊं? छोड़ो मेरा घड़ा। सलमा अभी बड़ा शौक हो तो मेरा घड़ा पहुँचा दो। आई बड़ा घड़ा भरवाने वाली। बेटा गाड़ी का वक्त हो गया, तुम सिधारो। मगर हाँ जरा खत वगैरह याद सुनिए, मेरे खतों का जवाब जरूर दीजिए। अच्छा अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ओ खाला जान, सलाम अलैकुम खाला माँ। जीते रहो बेटा, शहर जाकर गांव वालों को भूल न जाना। कैसे भूल सकता हूँ, जिंदगी की बहार तो गाँव में छोड़े जा रहा। जैसे पेट दिखाते हो वैसे मुंह भी दिखाना। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज रजिया। खुदा हाफिज।
क्या तुम शरीफों की सूरत भी नहीं पहचानती? अरे लाहौल बिना कुव्वत बनो, हम तो हजामत बनवाने आए थे। ओ, तो माफ करना, बैठो, भैया आते ही होंगे। भैया के आने से पहले तो बहन ने हजामत कर दी। ना तो बना, मैं तो जाता हूँ। मगर सुना, भैया से न कहना कि मैंने तुम्हें मारा था। अजी तौबा करो बन्नो, ऐसी बातें कोई भी मर्द अपने मुंह से निकाल सकता है? तो जा। एक बात पूछूं बन्नो? पूछो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? जो आप ही मर रहा हो उसको घर मारा तो क्या मारा? हाय, तो क्या तुम बीमार हो? अजी बीमार तो क्या, यहाँ तो मेरा इंतकाल भी हो चुका। इंतकाल हो चुका तो आप अपने जनाजे को भी ले जाइए, भैया आ जाएंगे तो वो भी अपने हाथ की सफाई दिखाएंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ईमान बख्शे, डायरी बनवाने आए हो? हाँ कलूमिया, कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें थी। इधर तो तुम्हारी तो डायरी बनी हुई है। हाँ हाँ, बन गई कलूमिया, जाता हूँ। बन गई? बन गई? हाँ बन गई, बन गई, बन गई। भैया हाथ में धो लो और चलो रोटी खा लो। रोटी खा तू, हम तो पराठे खाएंगे, पराठे अल्लाह ईमान बख्शे। अच्छा जी। लोगों की शादियां ठहरा और पुलाव खा। किसकी शादी ठहरा रहे हो? तुझे इन बातों की क्या पड़ी है, जा तू रोटी खा। मैं अभी जाता हूँ रजिया और बड़ी खाला माँ को लेके चौधरी के पास। अल्लाह ईमान बख्शे, अल्लाह ईमान बख्शे। चौधरी जी, खाला माँ आ गई। जीती रहो बेटी। बेटी सलमा, देखो तुम्हारी आपा आई है। जाओ तुम लोग अंदर जाओ। बहन, मैंने तुम्हें बड़े नेक काम के लिए तकलीफ दी है। तकलीफ किस बात की चौधरी जी? मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि मैंने तुम्हारी रजिया के लिए एक लड़का ढूंढ निकाला है। असलम से पहले तो हमें नजीर की फिक्र है। बशीर मरहूम का लड़का ना? जानती तो हो कितना अच्छा लड़का है, और फिर उसकी शादी भी तो हमें करना है। क्या ख्याल है तुम्हारा? जब आप ही उसके सरपरस्त हैं, तो इसमें मुझे क्या इतराज हो सकता है? बस तो बहन, अब की जुमा को रजिया और नजीर की शादी पक्की, फिर असलम शहर से आ ले तो उसकी शादी भी सलमा से करा दी जाएगी। मुबारक हो आप दोनों को, अल्लाह ईमान बख्शे। मुबारक हो आपा, तुम्हें कितना अच्छा दूल्हा मिल गया है। अरे तुम तो रोने लगी। गरीब की किस्मत में अगर खुशी लिखी हो तो फिर आंसू कहां जाए। कल्लू जी सच बता जी, चाचा जी मेरी शादी किस लड़की के साथ कर रहे हैं? अबे बता, सचमुच बता दू? हाँ एकदम बता दू। हाँ तो पहले सीधे हाथ से 5 पैसे यहाँ रखो, अल्लाह ही मान बख्श। अरे भाई ये ले। अब तो बता, तुम्हारी शादी हाँ कच्चे मकान वाली रजिया से होने वाली, अल्लाह ही मान बख्शे। अरे कल्लू हाँ, वो तो बड़ी खूबसूरत है। हाँ आपके नसीब से मिली है वो, अल्लाह ईमान बख्शे। बेशक बेशक। तो मैं जाऊँ शादी की दावत दे दूँ सब जगह? जरूर जा। अच्छा, देर के बाद। आँखों के इशारों से कोई बात ना करो जी, कोई बात ना करो। मियाँ जी चोरी चोरी, बाबू जी चोरी चोरी, मुलाकात ना करो, हे मुलाकात ना करो। आँखों के इशारों से कोई बात ना करो जी, कोई बात ना करो।
देखो ना देखो जी तिरछी नजर से हो तिरछी नजर से हाय की आवाज आए दिल से दिल से ओ दिल से दिल से हाय की आवाज आए दिल से दिल से ओ दिल से दिल से पर्दा गिरा के दिल को रात ना करो जी दिल को रात ना करो आंखों के इशारों से कोई बात ना करो जी कोई बात ना करो मियां जी चोरी चोरी बाबू जी चोरी चोरी मुलाकात ना करो हे मुलाकात ना करो आंखों के इशारों से कोई बात ना करो जी कोई बात ना करो पंजाबी पुकारे मेरे दिल दी तुरानी दिल दी तुरानी मराठा पुकारे तू है कांगली मस्तानी तू है कांगली मस्तानी मराठा पुकारे तू है कांगली मस्तानी तू है कांगली मस्तानी कह मारवाड़ी थारा मुखड़ो प्यारो बोले गुजराती तारो नाच छे सारो नाच छे सारो बोले गुजराती तारो नाच छे सारो नाच छे सारो इस दिल्ली वाले भैया की इस मुखड़ो वाले लाठी वाले भैया की तो बात ना करो अजी हाँ बात ना करो आंखों के इशारों से कोई बात ना करो अजी हाँ बात ना करो मियाँ जी चोरी चोरी बाबू जी चोरी चोरी मुलाकात ना करो अजी हाँ बात ना करो आंखों के इशारों से कोई बात ना करो अजी हाँ बात ना करो और बदनसीब रजिया को अल्लाह सब की तौफीक दे क्योंकि बुजुर्गों की दाद में दिल व जान कुर्बान कर देना ही शरीफ लड़कियों का ईमान है असलम अब तुम इस नाशाद की याद को अपने सीने से निकाल दो नामुराद रजिया की सूरत को अपने दिल में हमेशा के लिए दफन कर दो जिस वक्त तुम वहां यह खत पढ़ रहे होगे यहां मुर्दा दिल रजिया का जनाजा निकल रहा होगा तुमसे हमेशा के लिए रुख्सत होने वाली क्या कहना हमारे मुल्क की बेजबान लड़कियों का जो अपने दिल अपने अरमान और अपनी जिंदगियां भी बुजुर्गों की खुशी और शौहर की खिदमत के लिए कुर्बान कर देती हैं ये बारात नहीं ये रजिया की हसरतों का जनाजा निकाला जा रहा है ये आतिशबाजी नहीं गरीब रजिया के जलते हुए अरमान हैं जिसका तमाशा सारा गाँव देख रहा है और रजिया के मुँह से उफ़ी नहीं निकलती चौधरी ने नजीर को कर्जा देकर रजिया को असलम से दूर कर दिया जलता ज
जिस दम देखे जल जाए परवाना, जल जाए परवाना, एक दिल ने कहा। नाजुक से एक फूल में देखो छुपे हजारों कांटे हैं, छुपे हजारों कांटे हैं। इस दुनिया में कौन है अपना, किसे कहे बेगाना, किसे कहे बेगाना, एक दिल ने कहा। जाने वाले याद में तेरी आँखें रो रो कहती हैं, जाने वाले याद में तेरी आँखें रो रो कहती हैं, आँखें रो रो कहती हैं। दम घुट के मर जाना लेकिन दिल न किसी से लगाना, दिल न किसी से लगाना, एक दिल ने कहा, एक दिल ने सुना, एक दर्द भरा अफसाना, हाय दर्द भरा अफसाना। प्यार के टुकड़े करने वाला जालिम है ये जमाना, जालिम है ये जमाना, एक दिल ने कहा। अरे भाई नजीर, पहले तुम अंदर जाके पर्दे का तो बंदोबस्त करो। पर्दा? अब तुम पर्दा करोगे? मां आ जाओ, तुमसे क्या पर्दा। आइए जी, आइए। तशरीफ रखिए सादिक बाबू, आप लोग भी यहाँ तशरीफ रखिए। रिया यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन से मुलाकात कराऊं। अजी नजीर साहब, ला हौल विला कुव्वत, हम दो दोस्त भी तो हैं। अरे भाई तुम यहाँ तशरीफ लाओ तो हम बताएं कि ये कौन है। अच्छा तो अब मैं जोर से नाक में दम आ गया। अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो? चल कहाँ? अरे मेरा दोस्त आया है। नहीं नहीं, मुझे गैर आदमी समझ जाती हुई शर्म आती। अरे वो गैर काहे का, वो तो मेरे भाई के बराबर। चल चल चलो, तुम तुम्हारे पर्दे ने तो नाक में दम कर दिया। ये है वजात शरीफ सादिक। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समझ में नहीं आता कि क्या नजर करूं। अरे भाई छोड़ो भी तकलो, आओ खाना खाएं। तो बात भी ना करती, उनकी शान में कुछ कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। जाने दो जाने दो। देखो तो, बिना वजू जिसका नाम नहीं लेना चाहिए उसको तोबा तोबा क्या कह रही है। तुमने इतने खत लिखे, उसने कोई जवाब भी दिया? पढ़ने लिखने से फुर्सत ना मिलती होगी इसलिए जवाब नहीं दिया। तुम कुछ भी कहो, मैं तो उससे जलती हूँ। क्यों? हमारी चहकती हुई बुलबुल हमसे उड़ा ले जाएगा। देखो सलमा, ये मुँह तुम्हारा उनको चिड़ी मार बना रही है। अल्लाह ने चाहा तो इसको भी कोई मुँह चिड़ी मार ही मिलेगा। रजिया जी,
रजिया भी, छोटे चौधरी जी आए हैं, मिलने नहीं चलोगी? नहीं बनू, शादीशुदा औरत के लिए गैर मस्त का नाम देना भी बुरा है। ना जी, कल जिस पे जान दी जा रही थी, आज वो इतना गैर मस्त है, वो तो कुछ बनी जानी थी। पिछली बातें मुझे याद आ दिला, जा, मुझे अपना फर्ज पूरा कर ले। रजिया भी, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई थी। मैं नहीं बदली, बल्कि समान है उससे बदल गया। खुदा का रसना मिला, सलमा को पाकर सदा खुश रहे। तस्लीम, जीती रहो। बस कीजिए, बहुत पढ़ चुके, अब किताब देखने की जरूरत नहीं। ये किस खुशी में? मैं जो आई हूँ। आप इतनी हसीन नहीं है। आपसे तो अच्छी ही हूँ। बड़ी गलत फहमी है। मुझे या आपको? जो अपने आप को खूबसूरत समझता है। आप भी तो अपने को बड़ा खूबसूरत समझते हैं। खूबसूरत होता तो फिर रोना ही काहे का था। ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे आजिज हैं? नहीं तो? और नहीं तो क्या, दुनिया मुझे आपका नाम लेकर चिढ़ाती है और आप हैं किसी भी मुंह बात ही नहीं करते। कितने दिनों में आए और ये भी ना पूछा कि तुम कैसी हो। सच है, मर्द बड़े बेमुरव्वत होते हैं। और कुछ कह लो। भगवान की दया से असलम भी तो जवान है और सलमा भी। यही मतलब तो मेरा भी है कि जैसे बीए पास लड़का है वैसे पढ़ी लिखी लड़की। पंडित जी, गांव भर में चौधरी जी का घर ऐसा है जो पढ़ी लिखी लड़की है, अल्लाह ईमान बख्शे। पंडित जी, औलाद को तालीम देना तो हर माँ बाप का फर्ज है। अल्लाह ईमान बख्शे चौधरी जी, अब देर ना कीजिए, जल्द कर डालिए शादी। अबे शादी ना हुई खेल हो गया। अल्लाह ईमान बख्शे चौधरी जी, बहुत दिन से गांव में नाच रंग नहीं हुआ, शादी के बहाने हो जाए रंग। तो करो ना नाच गाने का बंदोबस्त, मुझसे पैसे ले लेना। यही तो मैं चाहता था अल्लाह ईमान बख्शे चौधरी जी।
सलाम। आओ नजीर बैठो। कहाँ जा रहे हो? जरा खेत की तरफ जा रहा है चाचा जी। बेटा जरा बात भी देखभाल कर लिया करो। अकेला आदमी हूँ चाचा जी, क्या क्या करूँ। तो क्या हम सौ आदमी हुआ करते थे? खुदा बख्शे बशीर भैया को, वो भी तो अकेले ही थे। अपनी हद तक तो मैं पूरी मेहनत करता हूँ चाचा जी। मैदान में चारपाई डालकर बैठे रहना ये भी कोई मेहनत है? आखिर इस तरह कैसे काम चलेगा? काम चले या ना चले, जितना हो सकेगा उतना ही तो करूंगा। इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि तुमको कर्ज भी अदा करना है? होगा जब दे दूंगा, अब कर्जे के लिए मैं अपनी जान तो नहीं दूंगा। ये भी तुम ठीक कहते हो, जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम इंतजाम कहां से करोगे? खुदा का शुक्र अदा करो नजीर कि मैंने तुम्हें कर्ज दिया है। अगर किसी साहूकार से कर्ज दिया होता तो आज तुम्हारा बाप तो क्या मकान तक भी जब्त करा लेता। अल्लाह ईमान बख्शी, ये साहूकार बड़े जालिम हुआ करते। देखो नजीर, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, अगर मेरी बात मानो तो बात मेरे हाथ भेज डालो, बाकी रुपए मैं तुम्हें अभी दिए देता हूँ। आपने इस वक्त मेरे मुंह पे बहुत जोर से तमाचा मारा है चाचा जी। मैं गरीब हूँ मगर दगाबाज नहीं, कर्जदार हूँ मगर बेईमान नहीं। मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार हूँ मगर बाप दादा की निशानी को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अगर वाकई गैरतदार हो तो अपनी गैरत का सबूत दो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मिल जाएगा। भाभी, कहाँ की तैयारी हो रही? तुम्हारे भाई खेत में हैं, उनके लिए रोटी ले जा रही हूँ। इतनी कड़ी धूप में? हम देहातियों को धूप नहीं सताती, इसका डर तो तुम शहरियों को होना चाहिए। गर्मी से फूल मुरझा जाया करता है भाभी। जब तक फूल शाख के साथ होता है उसे किसी तरह का खतरा नहीं हुआ करता। बड़ी बेवफा हो भाभी, हम तो तुम्हें देखने आए और तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं। औरत की जिंदगी सिर्फ उसके शौहर के दम से होती है, इसलिए हर औरत का फर्ज है कि वो अपने शौहर के आराम का ख्याल रखे। ये तुम्हारी नेक दिली है रजिया, एक तो खूबसूरत फिर उस पर वफादारी दुहाई है। तुम्हारी शान तो ये है रजिया कि तुम दिलों पर हुकूमत करो, दिलों पर। इन बातों से आखिर आपका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कभी कभी खुदा भी अपने बंदों से मजाक किया करता है। उसने अंधे की झोली में हीरा डाल दिया, पागल को दौलत दे दी। नजीर तुम्हारे जौहर की क्या कदर करेगा? अगर तुम्हारे हुस्न का चिराग मुझ जैसे इंसान के घर में रोशन होता, कसम खुदा की रजिया, दुनिया भर में तुम्हारा नाम रोशन होता। अपने होश ठिकाने रखो सादिक। जब से तुमने देखा है अपने होश व हवास सब तुम्हारे ही कदम चूम रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? पराई यारों से अच्छी बातें करते हो। अजी जब दोस्त पराया नहीं तो तुम पराई होने लगी। बदतमीज। दुहाई है भाभी, तुम तो गुस्से में भी प्यारी मालूम होती हो। खामोश। जाओ घर जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे मैं तुम्हें छोड़ के भाग थोड़ी जाऊंगा। जाओ 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 घर जाओ। वो तुम्हारे साधु बाबू और तुम तरह हर वक्त घर में घुसे रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। रजिया, मेरे घर का दरवाजा सादिक के लिए हमेशा खुला रहेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सादिक मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी दोस्ती तो हर वक्त एतबार है, और तुम्हें भी होना चाहिए। मुझे अंधा भरोसा करना नहीं आता है, आंखों से मालूम होता है वो बड़ा खतरनाक है। मैं अपने दोस्त की बुराई सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और मैं उसे अच्छा करने के लिए तैयार नहीं। रजिया जाओ, अब आइंदा ऐसी भूल ना हो। अल्लाह ईमान बख्शे चौधरी जी, नजीर को आपके हाथ बाग बेचना ही पड़ेगा। खुदा ना करे कल्लू, मुझे उसके बाग का लालच नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि नजीर में भी उसके बाप दादा किसी आन है या नहीं। रुपए की किसको फिक्र है, जैसे असलम को दिए वैसे नजीर को। अच्छा जी, मैं मेहनत मजदूरी करके चौधरी का कर्जा अदा कर दूंगा, मगर जिस बाप को हमारे बुजुर्गों ने खून देकर सींचा है, जिस बाप की बहारें हमारी जिंदगी का रंगीन पहलू बन चुकी हो, इस छोटी सी दुनिया पे हमारा खानदानी हक हो, उसके लिए याद रखना सारे बाबू, खून के कतरे कतरे ही जमा कर देंगे मगर गैरों के हाथ में कभी ना जाने देंगे। जिंदा रहो नजीर,
अगर हमारे गांव के नौजवानों के ऐसी ख्याल हो जाए तो यकीनन हमारी बिगड़ी बन जाए। लो, ये हीरे की अंगूठी, इसे बेचकर अपनी जिंदगी का रंगीन पहलू खरीद लो। ले लो। मैं इसको चाट कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर सकता हूँ साजिद बाबू, मगर बेच नहीं सकता। ये लो। तो मैंने ये हुए कि तुम्हें मेरी दोस्ती पर एतबार नहीं, मुझे अपने आप पर इतना एतबार नहीं है जितना तुम्हारी दोस्ती पर एतबार है साजिद बाबू। तो फिर हीरा लेते हुए इनकार क्यों करते हो? इसलिए कि कर दोस्ती का दुश्मन होता है। हमारा हटाओ यार बेकार की बात। लो, किसी की तरफ आखिरी हाथ बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अगर कोई हमदर्दी है कोई और रास्ता बताओ। हाँ, तो तुम आज ही लाहौर मियां रहीम बख्श के पास चले जाओ। वो जिमीदारा बैंक के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तुम्हें फौरन ही रुपया दे देंगे और मैं भी उन्हें आज ही खत लिख देता हूँ। तो वो रुपया की सूरत से वसूल करेंगे, साल उन्हें अनाज और फल देना पड़ेगा। दो तीन साल में उनका रुपया भी अदा हो जाएगा और तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। साजिद भैया, तब तो मैं जरूर जाऊंगा। तुमने इस वक्त मेरी मुर्दा उम्मीदों में जान डाल दी। तो फिर रजिया से कह दें, ये गलती मत करो नजीब। औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम रजिया के दो आंखों पर अपने खानदान की आबू को कुर्बान करने की तैयार हो जाओ। अच्छा, तो मेरे पीछे रजिया का ख्याल रखना। अब मैं जाता हूँ। फिक्र मत करो दोस्त। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजीर स्टेशन पर गया है, ना वो गांव में आए और ना ही स्टेशन तक पहुंचने पाए, समझे? ये लो, हीरे की अंगूठी, 500 रुपए की है। काम हो जाने पर उम्मीद से ज्यादा तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बस इतनी सी बात? अच्छा साधुक बाबू, मैं तुम पर इतबार करता हूँ। आज रात को मेरा भी उसी जगह काम है। एक हाथ नजीर पर भी सही, एक हाथ नजीर पर भी सही। Na hai khuda ruke kabhi
तुम्हारा खुदा का खौफ भी है या नहीं? गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम इन्हें सता रहे? तुम कौन होते हमें रोकने वाले? चलो अपना काम करो। खबरदार, रुकेंगे उस्ताद। रामलाल की लाश चल रही है, तुम उसकी हड्डियां उठाना। है ला हौल विला कुव्वत। क्या भूख लग रही है उस्ताद? ला हौल विला कुव्वत। अबे तुझे नहीं मालूम होता उस्ताद को कोई नई सूझी है? बिल्कुल नहीं, चिराग से चिराग जलता है, आज हम आग से आग लगाना चाहते हैं। ला हौल विला कुव्वत। आखिर किसका घर ताता है? साफ साफ फरमाइए ना। रामलाल की हड्डियां उठाकर नजीर के झोपड़े में रख दो और उसे आग लगा दो। ला हौल विला कुव्वत। चल जा। ले भाई। वजीर जी, नजीर के जलने की खबर गांव में कर दो। खबरदार, नजीर तुम हो, बड़े अच्छे वक्त पर मिले, हमें तुम्हारी तलाश थी। कौन? महमूद? नहीं, तुम्हारी माँ। तुम जैसे खुखार मौत की जवाब क्या हो सकते हो? जिन्हें गरीबों पर तरस नहीं आता, बेकसों का दर्द नहीं होता, तुम इंसान नहीं, भेड़िए हो, भेड़िए। मेरे सरताज, अपने दामन में पनाह देने वाली को किस खता पर दरबदर की ठोकरें खाने को अकेला छोड़ दिया? बोलो, अब मैं किसके दर पर जाऊं? देखो, मेरा सिंगार लूट गया, मांग की अफिया पर बेकसी की गर्ज पड़ चुकी, काजल आंसू में बह चुका। आवाज दो, तुम्हारी रजिया तुमको पुकार रही है। नहीं बोलोगी? मैं यूं ही फरियाद किए जाऊंगी, शायद खुदा को ही मुझ पर तरस आ जाए। मगर नहीं, वो क्यों तरस खाने लगा? उसे तो जुल्म ढाने में मजा आता है, इंसान के रोने पर उसे हंसी आती है। नहीं नहीं, परवरदिगार, तुम मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरी रजा में राजी हूं। रजिया, तुम्हारे ये आंसू, ये फरियाद मरने वाले के कोई काम नहीं आ सकते, बल्कि तुम्हारे रोने धोने से इसकी रूह को और सदमा पहुंचेगा। क्या करूं, दिल नहीं मानता, मैं उनकी कोई खिदमत ना कर सकी, बस यही गम है। इस गम को आंसुओं में नहीं डुबोया जा सकता रजिया। अगर तुम मरहूम की रूह को चैन देना चाहती हो तो उसकी आरजू पूरी करो। आरजू? हाँ, रोने को हंसी से बदल दो, आंसू बहाने के बदले मुस्कुराना सीखो। उसे तुम्हारा सुहाग अजीज था तो सुहागन ही बनकर जियो। सादिक, नजीर भैया भी यही चाहते थे कि तुम मुझे उनकी जगह समझो, मैं तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूं। खुदा के लिए सादिक, तुम अपने कमीने इरादों को इसी कब्रिस्तान में दफन कर दो। वो मेरा दोस्त था, इसलिए उसकी अमानत को मुझे ही अपने सीने से लगाना है, उसकी बेवा को मुझे ही सहारा देना है। सहारा देना है तो बहन बनाकर सहारा दो, ताकि दुनिया और आखिरत में तुम्हारा नाम हो। मुझे जितना नाम करना था कर लिया, अब अपने दिल की जिद पूरी करूंगा, और वो जब पूरी होगी, जब तुम मेरी बन जाओगी। छोड़ कमीने, मेरा पड़ा हुआ हाथ कभी वापस खाली नहीं आता। सादिक, इबरत हासिल करो, इबरत। ये कब्रस्तान में एक मासूम और बेवा को छेड़ रहे हो, जिसके मरने वाले की कब्र के अभी फूल भी नहीं मुरझाए। मैं भी तो यही चाहता हूं कि इस गरीब के सुहाग के फूल मेरी जिंदगी में न मुरझाने पाए। ये क्यों नहीं कहते कि अपने दोस्त की हड्डियों से अपनी शादी के ढोल पीटना चाहते हो? मियां साहबजादे, तुम क्या मुझसे आंखें निकाल कर बात कर रहे हो? तुम भी तो उसी बाप के बेटे हो जिसकी मेहरबानियों की बदौलत आज नजीर कब्रिस्तान में सो रहा है।
मौत के न टलने वाले वक्त को तो कोई बहाना चाहिए था, वरना बुजुर्गों की खफगी में भी प्यार ही झलकता रहता है। फिर मेरे प्यार को तुम नफरत की नजर से क्यों देखते हो? मैं अपने दोस्त की बेवा का छीना हुआ सुहाग अपने प्यार ही से उसे वापस देना चाहता हूँ। सादिक, तुम एक नाशाद और नामुराद औरत पर अपने हवस की बिजलियां गिराने के लिए दोस्ती की आड़ ले रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? असलम, मुझसे मुंह लिखने की कोशिश करो, वरना तुम्हारी जवानी को तुम्हारा मातम करना पड़ेगा। जवानी का फर्ज है कमजोरों की मदद करना, इसलिए तुम मेरे जीते जी रजिया तक नहीं पहुंच सकते। अच्छी बात है, तुम्हारा बल भी देख लूंगा। मैं अंदर आ सकती हूँ? खामोशी भी एक तरह की इजाजत हुआ करती है। अच्छा जी, आप तो कुछ नाराज मालूम होते हैं, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर ये लाल पीले क्यों हो रहे हैं? क्यों दिमाग खा रही हो? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं। कब्रिस्तान से। अल्लाह खैर करे जी, आप हर रोज कब्रिस्तान क्या करने जाया करते हैं? अपनी कब्र का निशान ढूंढने। खुदा ना करे। असलम, मैं देख रही हूँ कि जिस रोज से नजीर का इंतकाल हुआ है तुम बहुत बदल गए हो। इसलिए कि मुझे उसके मरने का गम है। उसके मरने का गम अगर किसी को होना चाहिए तो रजिया को, लेकिन तुम्हें उससे कहीं ज्यादा रंज है। इससे तुम्हारा क्या बिगड़ता है? बिगड़ता क्यों नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ये परेशानी नजीर के गम में नहीं बल्कि रजिया की मोहब्बत में है। वो चिंगारी जिस पर नजीर की शादी से राख पड़ चुकी थी अब फिर सुलग रही है ताकि मेरे अरमानों को जलाकर राख कर दे। मोहब्बत की आग जिस तरह पहले रोशन थी अब भी जल रही है, क्योंकि मैं रजिया को बचपन से चाहता हूँ और हमेशा उसकी मोहब्बत को अपने सीने से लगाए रहूंगा। असलम, आज तुमने मेरे अरमानों के महल को खंडर बना दिया, मेरी उम्मीदों के जलते हुए चिराग को सुहाग रात आने से पहले ही बुझा दिया। अब तुम ही बताओ कि मैं गांव वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? वो सब जानते हैं कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है।
सरताज आपके तकाजों से तंग आकर जान दे बैठा तो मैं आपका कित पैसा चुकाने के लिए जिंदा रहूंगी, चाहे मुझे भी क्यों ना मांगनी पड़े। अफसोस बेटी। नहीं नहीं, मैं ऐसे बाप की बेटी नहीं बनना चाहती जो अपना नाम कमाने की खातिर गरीब लड़के और लड़की की शादी कर देते और फिर चुपके चुपके तकाजों में नश्तर चुप होकर उनकी जान ले लेते हैं। तूने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। गरीबों की लाशों पर पैर रखकर ऊंचे होने वाले जिम्मेदारों को कौन नहीं पहचानता जो झूठे दिलासे देकर चिल्लाते हैं और काम निकल जाने पर अपने कहर की बिजलियां गिरा देते हैं। खुदा के लिए मुझे ऐसा न कहो। क्यों ना कहूं? आपके दौलत वाले गुरु ने ही मेरा घर तबाह किया, आपकी बदौलत मेरा सोहा गुजरा और आज आप ही की मेहरबानी से मैं ये कफन पहने मौत की राह देख रही हूँ। रजिया, तुझे गमों ने बिल्कुल पागल बना दिया है। गांव वालों की आवाजों ने मेरे गम को गुस्से में बदल दिया था। गांव वाले जाहिल हैं जो मुझे इतना पागल समझते हैं कि मैं अपने हाथों से लगाए हुए पौधे को खुद ही बर्बाद भी कर सकता हूँ। चाचा जान। रजिया, तू मेरी बेटी है इसलिए तेरा गुस्सा भी मुझे प्यारा है। रजिया, मैं तेरे सामने खुदा और उसके हबीब को गवाह करके कहता हूँ कि मैंने नजीर का कर्जा माफ किया ताकि उसकी रूह को सुकून हो और आज से ये बुढ़ा तेरी हर खिदमत को अपना फर्ज समझेगा। ज्यादा ना शर्मिंदा कीजिए, मुझे तो सिर्फ आप ही का आसरा है। आसरा खुदा पर रखो बेटी, मैं तो उसका एक नाचीज बंदा हूँ। तू दिल का खुदा रूह का किरदगार, हर एक चीज पर है तेरा इख्तियार, तेरे हुक्म से लहलहाते हैं बाग, तू रोशन करे आंधियों में चराग, तू चाहे तो जर्रे को हीरा करे तू फूलों से सहरा का दां। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें इस हालत में देखकर भी जिंदा हूं और इस गम में तुम्हारा हाथ भी नहीं बटा सकता। गम तो मेरी किस्मत बन चुका है। सच है, बचपन में हम दोनों साथ हंसते और खेलते थे तो अब गम भी साथ उठाना चाहिए। खुदा ना करे, आपको क्या गम है? ना पूछो रजिया, मैं शहर से तालीम खत्म करके बड़े अरमान लेकर चला था, उस परिंदे की तरह जो बसेरे के वक्त अपने आशियाने की तलाश में हवा से भी तेज पहुंचने की कोशिश करता है, मगर यहां आते ही मालूम हुआ कि वो आशियाना पहले ही से जल चुका है और वो भी अपने अब्बा जान के हाथों। ऐसा ना कहिए, आपके अब्बा जान को तो अपने होनहार बेटे के लिए एक महल बनवाना था इसलिए उस जगह पर एक गरीब की झोपड़ी रह जाती तो वो बदनुमा मालूम होती। रजिया, उस वक्त मैं उनका हाथ पकड़ने वाला यहाँ मौजूद नहीं था तो तुमने भी उनसे नहीं कहा कि इस घर को ना उजाड़िए। यहाँ असलम अपने बचपन के अरमानों को खेलता हुआ छोड़ गया है। शरीफ लड़की मुंह से नहीं आंसू बहाती हुई आंखों से कह देती है, अगर सुनने वाले समझ गए
तो खुश नसीबी है, वरना आंसू ही उसकी किस्मत बन जाती है। नहीं रजिया, अब तुम हमारे घर में चल के रहो, वरना तुम घुट घुट के मर जाओगी। यही तो अब आखिरी तमन्ना है। नहीं, वो बदमाश साधक तुम्हें लावारस समझ के तुम्हारी इज्जत के पीछे पड़ा हुआ है। इंसान की क्या मजाल है जो खुदा की अमानत को किसी से छीन सके। शैतान से बचाने के लिए हमारा भी फर्ज है कि तुम्हें अपने घर में ले जाके हिफाजत से रखें। नहीं नहीं, वो घर आपका नहीं, सलमा का है। इसलिए सुहागन के घर में एक मनुष्य बेवा औरत के कदम जाना बड़ी बदशगुनी है। फिर जहल औरतों की मनगढ़ंत है। सलमा पढ़ी लिखी है और मुझे उससे यही उम्मीद है कि वो जहालत पर फर्ज को कभी कुर्बान नहीं होने देगी। इसलिए तुम बेधड़क चलकर उस घर में रह सकती हो। खुदा की कसम रजिया, मैं अपनी मोहब्बत के जज्बे में नहीं कह रहा, बल्कि मेरा इंसानी फर्ज और ईमान मजबूर कर रहा है कि बेसहारा का हाथ पकड़ के सहारा दूं। खुदा के लिए आप मेरे गम में परेशान ना होइए। मैं जानती हूँ आप एक मासूम दिल की उम्मीद और बड़े खानदान के चिराग हैं। खुदा आपको खुश रखे। जाइए और अपने अब्बा जान के अरमान निकाल लिए। मगर ये कैसे हो सकता है कि एक घर में मातम हो और दूसरे घर में शादियाने बजे। फूटी हुई किस्मत को बनाना इंसान के बस की बात नहीं। मैं तो हर तरह से लूटी गई, सुख से सुहाग से चैन से आराम से। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए, मुझे मेरे सास से भी डर मालूम होता है। अच्छा रजिया, मैं जाता हूँ, मगर तुमको अपनी कसम दे के जाता हूँ कि दिल को मजबूत बनाओ और उसकी मर्जी पर चलने की कोशिश करो तो ये भी दिन गुजर जाएंगे। खुदा हाफिज। या परवरदिगार, मेरे टूटे हुए दिल को इतनी हिम्मत दे दे कि मैं तेरे बताए हुए सीधे रास्ते पर चलकर नेक औरतों में शुमार हो सकूं। अल्लाह ईमान बख्शे, पहली मरतबा रू भटकते हुए सुना, इससे पहले ये बात ना थी। अरे भाई, भटकेगा क्यों नहीं, हराम मौज जो भरा है। इज्जत वाला हो तो ऐसा हो, जान दे दी, मगर यार गांव में घूमने से फायदा क्या। सादिक बाबू कहते थे कि रजिया से बहुत प्यार करता था। अल्लाह ईमान बख्शे, मेरी बीवी भी बहुत प्यार करती थी, मगर उसकी रूह मेरे पास कभी ना आई। और यह है कि मर के भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अरे बात नगर कर लू, कहीं आ गई तो गदर ही हो जाए। अरे हाँ भाई, ये ठीक तो कहता है। अच्छा जी,
निकलूं। तो समझ में नहीं आता कि रूह उठा कर ले गई हो। मगर गांव भर के लोगों को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता बेटा। मुझे कहां ले जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, तू अपने घर में है। और वो कहां है? बेटी तू ख्वाब देख रही थी। अब्बा जान, मेरी राय में इनको यहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं। बेशक, इनकी निगरानी हमारा फर्ज है। चलो बेटी, तुम हमारे घर चल कर रहो। नहीं नहीं चाचा जान, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। चाचा जान, अब इतनी रात का इन्हें तकलीफ ना दीजिए, आज मैं यहीं सोई जाती हूँ। ये भी ठीक है। अच्छा बेटी, हम लोग जाते हैं, तुम्हारी बहन आज यहीं रहेगी। चलो असलम, रजिया को आराम करना। सलमा, वही थी, बिल्कुल वही। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ। हो सकता है आपा, अब तुम इस घर में ना रहो। मौत भी तो नहीं आती जो मुझे इस उजड़े हुए घर से ले जाए। खुदा ना करे, कुदरत ने ये फूल सा चेहरा इसलिए तो नहीं बनाया कि खिलने से पहले ही मुरझा जाए। मुरझाना तो क्या, आंसू बहाते बहाते एक दिन खात्मे भी मिल जाएगा। आंसू बहाए तुम्हारे दुश्मन। आपा, नाराज ना हो तो एक बात कहूं। क्या? औरत के लिए दुनिया में अकेले रहना बड़ी मुसीबत है, इसलिए मैं कहती हूं तुम शादी कर लो। सलमा, ऐसी बात जबान से मत निकालो। मगर जानती भी हो, इस तरह जवानी बर्बाद करने में खुदा और रसूल दोनों की गुनाहगार होगी। नहीं सलमा, मैं तो ये जानती हूं, सेरे के फूल सिर्फ एक बार खिलते हैं, सुहाग का दिया बुझकर फिर कभी नहीं जलता। दिए में तेल है तो जरूर जलेगा, क्योंकि मुझे वो चिराग भी दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे लिए भड़क भड़क कर हवा के थपेड़ों से लड़ रहा है। सलमा, ये तुम क्या कह रही हो? ये बताने का वक्त अभी नहीं आया, क्योंकि मैं खुद फैसला नहीं कर सकी कि मोहब्बत और फर्ज में बुलंद कौन है। सलमा सुनो तो। सुन चुकी, अब कुछ कर दिखाने का वक्त है। सलमा, क्या तुम मेरे दिल के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रही हो? हरगिज नहीं, मैं तो आपके लिए मरहम लेकर आई हूँ। मरहम लेकर आई हो? हाँ, मैं तो आपको खुश न रख सकूंगी, क्योंकि आपका चोट खाया हुआ दिल हमेशा रजिया ही को पुकारता रहेगा। मगर मैं उस पुकार को अपनी जबान तक ना आने दूंगा।
जो तुम्हारे कानों को बुरी लगे। नहीं असलम, मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तुम्हारे और रजिया के बीच में दीवार बन के ना आऊं। इसीलिए मैं तुम्हें भी मजबूर करती हूँ कि तुम अब्बा जान से जाके कह दो कि किस्मत की छीनी हुई रजिया मुझे वापस दे दी जाए। सलमा, ये तुम किस दिल से कह रही हो? अगर रजिया के साथ मेरी शादी हो गई तो अब्बा जान की तमन्नाएं और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक यतीम लड़की की जिंदगी आबाद ही कब हुई थी जो बर्बाद हो जाएगी? असलम, तुम्हें रजिया की बेवगी का वास्ता, उस लाचार का हाथ पकड़ लो, उसका अब इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे कोई नहीं। सलमा, क्या तुम पागल हो गई हो जो अपने हाथों से अपनी कब्र खोदना चाहती हो? तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरे सर पर चाचा जान का साया मौजूद है। मैं तुम्हारा मुंह देख देख कर जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन उस गरीब और बेकस रजिया को दुनिया के ताने न जीने देंगे। असलम, ये मेरी पहली और आखिरी इल्तजा है कि तुम रजिया से शादी कर लो। जाओ और चाचा जान से इजाजत लो। जाओ। तो उसकी शादी का कहीं ठीक कर दो। तुम्हारा कोई लायक दोस्त हो तो उससे कहो, लड़की में कोई खराबी नहीं, हसीन है, हुनर और हौसले वाली है। आजकल कोई आदमी ऐसा नहीं जो एक बेवा से शादी करे, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो फिर जब उसमें कोई खराबी नहीं है तो आप उसे अपने ही घर में क्यों नहीं लाते? क्या मतलब? तुम्हें अपने बाप से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम चाहते हो मेरे घर बेवा बहू आए और इस बेकस बच्ची को ठुकरा दिया जाए जिसको मैंने तुम्हारी दुल्हन बनाने के लिए पाला है? नहीं अब्बा जान, सलमा अभी कुंवारी है, उसके सर पर आपका साया मौजूद है, अच्छी से अच्छी जगह उसकी शादी हो सकती है, लेकिन उस बेवा रजिया को कौन अपनाने वाला है? तुम अभी बच्चे हो जज्बाती कीड़े, मैंने दुनिया देखी है, मैं आंखें देखकर दिल की बातें ताड़ जाता हूँ। सलमा को मैंने पाला है, मुझे उसका दर्द है, मैं जानता हूँ उसके अरमान क्या है। वो तुम्हें खोकर बर्बाद हो जाएगी, मैं उसकी बर्बादी नहीं देख सकता। सलमा की बर्बादी नहीं देख सकते, लेकिन बेटे की तबाही देख सकते हैं। आपने रजिया की शादी नजीर से करके जिस तरह मुझे बर्बाद किया है उसका आपको एहसास तक नहीं। मैंने अपने अरमानों का खून होते देखा, मोहब्बत के आंसू आंखों ही आंखों में पी लिया, आपको ख्याल तक ना आया क्योंकि आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। अब्बा जान, अगर हमारी जवान उमंगों को आपकी ज़ईफ़ी का सहारा मिल जाए तो हम दुनिया बदल दें। बेवा और कुंवारी में से बेवा का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया है कि दुनिया की आंखें खुल जाएं। ये सवाल एक रजिया का नहीं बल्कि उन लाखों रजियाओं का है जो बेवगी का कफन पहने मुर्दों की सी जिंदगी गुजार रही हैं। मैं इंसानियत के असूल पर चलकर दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाप का मोहब्बत भरा दिल अपनी औलाद के लिए हर कुर्बानी कर सकता है। सलमा बेटी, न रो, इत्मीनान रखो, मैं असलम को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न करने दूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हें कोई दुख नहीं हो सकता। नहीं चाचा जी, एक भाई की खुशी के लिए बहन के आंसू भी यही फरियाद कर रहे हैं कि आप रजिया को अपनी बहू बना लीजिए, क्योंकि असलम भैया बचपन से रजिया को चाहते हैं। या पाक परवरदिगार, मुझ गुनाहगार के गुनाह बख्श दे, बुराइयों से बचा, नेकी की तौफीक अता कर और अपने हबीब के सबके में
मरने वाले की रूह को सुकून अता कर। आमीन। वो पाक बेनियाज बेचैन रूहों को सुकून अता कर सकता है, मगर नजीर की रूह को सुकून देना तुम्हारे बस में है रजिया। तौबा करो, तुम इंसान की ताकत से नहीं डरती तो न सही, लेकिन खुदा के कहर से तो डरो। ऐसा कल में जुबान पर लाना कुफ्र है। तुम मुझे काफिर समझो या मुसलमान, लेकिन कहूंगा ईमान लगती। जब तक तुम दूसरी शादी न करोगी रजिया, ना तो मरने वाले की रूह को सुकून मिल सकता है, ना तुम्हारे दिल को। इसीलिए शरह दूसरी शादी की इजाजत देती है। शरह दूसरी शादी करने की इजाजत जरूर देती है, लेकिन मजबूर नहीं करती। ये मसला शादी करने वाले के इरादे पर माकूफ है। फिर तुम्हारा इरादा क्या है? सिर्फ खुदा की राह में जिंदगी बसर करने का इरादा है। इस भरी जवानी के आलम में बुढ़ापे का इरादा पूरा नहीं हो सकता रजिया। और एक औरत का इरादा जो कच्चे धागे से ज्यादा वक्त नहीं रखता। तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी, वो भी मुझसे। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो बनाऊजुबिल्ला, तुम्हारा फैसला कोई खुदा का फैसला नहीं जिसके सामने मुझे सर झुका देना चाहिए। मेरे सामने बड़े बड़ों के सर झुक चुके हैं रजिया, तुम्हारी क्या हस्ती है? और से सुन लो, अगर तुम इज्जत से जीना चाहती हो तो याद रखो रजिया, तुम ऐसे शैतान से हमेशा लानत भेजती रहो। संजो, तुम चलिए यहां से। पराए घर में आके एक बेवा को सताता है, तुझे शर्म नहीं आती? सलमा, तुम इस कमीने को मुंह मत लगो, तो कह दो इसे कि सीधी तरह यहाँ से चला जाए, वरना मैं मोहल्ले भर को इकट्ठा करके पिटवा दूंगी इसे। खामोश। देख, मैं फिर कहती हूँ कि तू सीधी तरह यहाँ से चला जा, वरना तू चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले भर को इकट्ठा कर लेगी। हाँ, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ, मगर याद रखना कि तू साथ के रास्ते में आई थी। सलमा, तुमने इसको इस तरह क्यों डांट दिया? ये बहुत खतरनाक शैतान है। आपा, तुम्हें तो गमों ने बिल्कुल कमजोर कर दिया है, वरना ये मुए तो हैं इसी लायक कि जूती से बात की जाए। तुम उस किस्मत की मारे का कौन है जो इस मुझी को सताने से रोके? क्यों नहीं आपा, असलम इस फर्ज को पूरा करने के लिए बेचैन है। सलमा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ आपा, असलम तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। नहीं सलमा, खुदा के लिए तुम मुझे इतना ना गुदगुदा कि आंसू निकल पड़े। अब आंसू निकलने का जमाना गया, अब तो उस दिन का इंतजार है जब मैं अपने हाथ से तुमको शाहानी जोड़े पहनाऊं। नहीं सलमा, मैं तुम्हारी फलती फूलती जिंदगी को मिटाकर अपने होठों पे मुस्कुराहट नहीं ला सकती। असलम तेरी ही अमानत है। मगर इस अमानत को जिस तरह तुम संभाल सकती हो, मैं नहीं संभाल सकती। मैंने तुम दोनों के दिलों को टटोल लिया है, मेरे कानों ने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। सलमा, मुझे माफ कर दो, अब कभी मेरा मुंह ना खुलेगा, चाहे घुट घुट के मर जाओ। हाँ, यही तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो जवानियां जिंदगी भर तूफान के थपेड़े खाती रहें। ये लो, आज से तुम इसे संभालो। नहीं सलमा, मैं तुम्हारे अरमानों के खून से अपने हाथ नहीं लाल कर सकती। खुदा की कसम आपा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सलमा, ये तुम क्या कह रही हो? ये जानते हुए भी अगर मैं असलम से शादी कर लूं तो सारी दुनिया तो क्या अपनी रूह खुद मुझ पे लानत फेंकती रहेगी। सलमा, सुनो तो, सलमा। दीवारी से पांव नहीं जा सकती। आ!
को दोस्तों से तंग करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है सादिक। सादिक के रास्ते में आने का अंजाम। सादिक, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, वरना मुझे कलेजे पे पत्थर रखकर जिंदगी गुजारनी पड़ती। मैं खुश हूं कि तुझे भी मेरी तरह ना मुरादी बनना पड़ेगा। रजिया की शादी असलम से होगी। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, अब तेरे नापाक हाथ उस तक न पहुंच सकेंगे। आपा, आपा, मुझे माफ करना, मैं अब तक अनजान बनकर तुम्हारे और असलम के दरमियान में दीवार बनी रही। असलम, अरे भाई तारो तारो, खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या हुआ? मेरे घर में दो लाशें। दो लाशें? हाँ, नजीर की रूह ने सलमा और महमूद का खून कर दिया। कर दिया? हाँ, जाने में कैसे बच गया। ये तो बड़े खतरे की बात है चौधरी जी। नजीर की रूह ने सलमा का खून कर दिया। क्या कहा? क्या झूठ? बिल्कुल झूठ। झूठ नहीं चौधरी जी, सारा गांव यही कह रहा है। रजिया का गांव में रहना सारे गांव की तबाही है। परवरदिगार, मुझे यकीन नहीं आ सकता, मैं इस भेद का पता लगाकर रहूंगा। रजिया को गांव से निकाल दिया जाए तो नजीर की रूह कभी गांव में नहीं आ सकती। रजिया सचमुच तबाही की सूरत है, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ हुजूर, उसे जरूर निकाल दो। चौधरी को मजबूर करना चाहिए। गांव वालों की जाने रजिया की जान से ज्यादा कीमती है। सादिक बाबू कह रहे थे नजीर की रूह सारे गांव के चक्कर काट दिए और उसी ने सलमा का खून किया। या अल्लाह, उस बेकरार रूह को चैन दे। मगर मेरी सलमा ने उसका क्या बिगाड़ा था? खुदा बंदा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? नजीर की रूह लोगों को कत्ल कर रही है तो इसमें रजिया बिचारी का क्या कसूर है? चौधरी जी, उस दिन आपने खुद देखा था कि नजीर की रूह रजिया को उठाकर ले जा रही थी। अगर वो उसमें कामयाब हो जाती तो फिर इस गांव में नहीं आती। क्या तुम इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हो? क्या आपको सलमा के कत्ल का कोई सदमा नहीं? औलाद के मरने का सदमा किसको नहीं होता। सलमा मेरी उम्मीदों की शमा थी, खुदा बेहतर जानता है कि उसकी मौत क्यों हुई। चौधरी जी, ये सब बातें उसी वक्त तक हैं जब तक अपने घर में आग नहीं लगती। अगर आज ये वाकया असलम को पेश आता तो आपकी आंखें खुल जाती। बिल्कुल ठीक। तो क्या आप रजिया को गांव से बाहर नहीं निकालेंगे? नहीं, आपको निकालना होगा। किसकी ताकत है जो रजिया को इस गांव से बाहर निकाले? मैंने कह दिया जाओ यहां से, तुमसे जो कुछ हो सके वो कर लो। रजिया मेरी अमान में है। अच्छा देखा जाएगा। रजिया कहाँ जा रही है बेटी? जहाँ किस्मत ले जाए। मगर क्यों? गांव वालों की ही मर्जी है, तो अब मैं भी यहाँ नहीं रह सकती।
नहीं रजिया, मैं तुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। लानत है गांव के इतने बड़े चौधरी पर जो एक बेवा को भी सहारा ना दे सके। चलो बेटी, तुम मेरे घर को अपना घर समझ के रहो। किस्मत में जब बेघर होना ही लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं बेटी, मेरे ही हाथों तेरा सुहाग लुटा है तो मुझे ही वापस देना होगा। मैं तुझसे भीख मांगने आया हूँ बेटी, मेरे अंधेरे घर को रोशन कर दे। नहीं नहीं चाचाजान, मैं बड़ी डाइन हूँ जो बचपने में अपने माँ बाप को खा गई और जवान हूँ तो अपने सरताज को खो बैठी। ऐसा न कहो, ये सब खुदाई करिश्मे हैं। बस अब तू अपने चाचा की गोद को अपनी एक हाथ से भर दे, मेरा असलम भी तुझे ही चाहता है। चाचाजान। बेटी, इस बुढ़े की बात रख ले, बस अब मैं सिवाय हाँ के और कुछ नहीं सुनना चाहता। उस मासूम सलमा की वसीयत को पूरी कर दे जो शादी की दुआएं देती हुई तुम दोनों पर कुर्बान हो गई। मगर मुझे अपनी किस्मत से डर लगता है। खुदा की राह पर चलने वाले किसी से नहीं डरा करते, हुक्म खुदा भी तो यही है बेटी, बस अब तू हाँ कर दे। चाचा जान। जीती रहो बेटी, तूने मेरी बात रख ली, खुदा तुझे खुश रखे। ये दिल है पारा पारा, इसको जरा रुफूक। अबे अंसारी के बच्चे, आज ये बिजली चमकी क्यों? और चमकी तो छिप क्यों गई बताओ? या पीर जुमेराती, अंदर ईद और बाहर शबराती। क्यों जी, तुम बगैर पूछे घर में क्यों चले आए? अजीला हाल वेला कुवत। अजी अपने घर में भी कोई पूछ कर आया करता है? अरे खंकार के तो आना था। अजी तौबा करो, पहले जमाने में लोग जरूर खंकार कर आया करते थे, लेकिन आजकल तो लोग गाना गाते हुए तशरीफ लाते हैं। ला हौल विला। बोलो क्या चाहते हो? जो तुम चाहती हो वही मैं चाहता हूँ। ऐ मेरे दिले नादा, जो तू है वही मैं हूँ। हाय हाय, मैं तो तुम्हें मरद समझती थी, क्या तुम भी औरत हो? अजीला हाल विला कुवत। ये बात नहीं है बन्नो, बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह कौम का राजा हूँ। अल्लाह ईमान बख्शे अंसारी बाबू, क्या सचमुच तुम हमारे भाई बंद हो? लो हुक्का पियो, हुक्का पियो। हाँ कल्लू भैया, हम में और तुम में सिर्फ इतना फर्क है कि तुम देसी तरीके से हजामत करते हो और हम अंग्रेजी तरकीब से। तुम्हारी कसम कल्लू भैया, हमने बम्बई में बड़े बड़े लखपति और रईसों की हजामत की है। अल्लाह ईमान बख्शे अंसारी, अगर तुम पहले बता देते कि मैं हजाम हूँ तो मैं अब तक तुमसे बन्नो की शादी भी कर देता। अजी देर आया दुरुस्त आया, ला हौल विला कुव्वत। कल्लू भैया, हाँ तुम शादी की तैयारी करो और हम भी करते हैं, चले बे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज। हाँ, अल्लाह ईमान बख्शे। अंसारी, आज एक बात बहुत अहम हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ला हौल विला कुव्वत। अबे बात क्या है? सच कह रहा हूँ अंसारी, असलम की शादी रजिया से तय पा गई है, अब कल निकाह होगा। रजिया की शादी? अरे हाँ। ला हौल विला कुव्वत, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी जिंदगी में मेरी बीवी की शादी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रजिया, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा रजिया। Thank you.
तैयार है, दुल्हन को भी साथ ले दीजिए। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। आ बेटा आसिम, तुम भी चलो।
मेरा आश्रम, मेरा बेटा। असलम, ये क्या हो गया बेटा? वो कौन बेटा था जिसकी आंखों से तेरी जवानी नहीं देखी गई? अरे खुदा के लिए शहर से किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरी जिंदगी भर की कमाई लूटी जा रही है। मेरे लाल, मेरा कलेजा फटा जाता है, मुझे तसल्ली दे। अब्बा जान, रजिया, रजिया, ओ रजिया, तेरा दूल्हा तुझे बुला रहा है। मेरे बेटे की बड़ी हसरत थी तुझे सुहागन बनाने की। रजिया, देख तेरे सुहाग का किस बेदर्दी से लहू बहाया गया है। असलम, तुम्हारी रजिया आ गई, आंखें खोलो बेटा। खुदा के लिए अपने बाप से न रूठ, मेरी टूटती हुई कमर थाम ले बेटा। सब्र कीजिए चौधरी जी, मेरा पहाड़ सा बेटा एरिया रगड़ रहा है और मैं सब्र करूं। बाजा, तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझ पर रहम करो। असलम, मेरे बुढ़ापे पर तरस खा बेटा। सब्र कीजिए चौधरी जी, इतनी ही लिखवा के आए थे। नहीं नहीं बेरहमो, मेरे कलेजे को मुझसे न छुड़ाओ। असलम, मुझे न छोड़, मुझे भी साथ लेता जा, मैं वहां भी तेरी जिद उठाता रहूंगा। मेरे दूल्हा, मुझ बुढ़े की नहीं सुनता तो अपनी दुल्हन पर ही तरस खा ले। तुम तो दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहे थे, उठो, दुनिया बराती बन के तुम्हारे पास आई है और तुम देखते भी नहीं। बेटा, मैंने कौन सी ऐसी खता की है जो तुम मुझसे नाराज हो गए? चौधरी जी, खुदावंदा मुझे माफ कर दे, मैं अपने बेटे के गम में दीवाना हो रहा हूँ। मुझे सब्र अता फरमा, मेरे मालिक, तेरी अमानत तेरे हुजूर में इन कांपते हुए हाथों से पेश आए, कबूल फरमा। राह देख रही है सलमा, तुम मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी दी हुई अमानत को अपने पास न रख सकी। इन बहते हुए आंसू से मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ कि तुम्हारा दूल्हा तुम्हारे पास पहुंच गया। ठहरो, मैं भी तुम्हारे पास आती हूँ। Thank you.
गला को डाल तू। कल्लू भैया ये क्या हो रहा है? सारे बाबू तू अल्लाह ईमान बख्शे, इस पे भूत सवार है। भूत हमारा हौल विला कुवत, ये मोहब्बत का भूत तो हमारे सर पर भी सवार है। मगर इस पर तो नजीर का भूत सवार है। भूत? अच्छा, तो ये नजीर का बच्चा हम उस्तादों से भी चोट करने लगा? अल्लाह ईमान बख्शे अंसारी भैया, जरा तुम धुनी दो, मैं मौलवी साहब से अभी तावीज लेकर आता हूँ। हाँ हाँ कल्लू भैया, तुम जल्दी जाओ, एक भूत तो कम हो। अल्लाह ईमान बख्शे अंसारी भैया, चूकना नहीं जब तक मैं ना बराबर धुनी देते रहना। हाँ कल्लू भैया तुम जाओ, बेफिक्र रहो। शाबाश बन्नू, अगर तुम ये ढोंग न रचाती तो वो कल्लू का बच्चा मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कभी ना जाता। अरे बस कर बन्नो, हम कल्लू नहीं है जो तुम्हारे बनाने में आ जाए। हमें अच्छी तरह मालूम है कि नजीर जिंदा है, फिर उसका भूत यहाँ कैसे आ सकता है? ला हौल विला कुव्वत, ये मैं क्या पक गया? बन्नो नजीर भूत है, भूत। अच्छा तो ये सब तेरी शरारत है, मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं नजीर भैया नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब सादिक की शरारत है। तू झूठ बोलता है। नजीर भैया इस बन्नो की कसम, मैं सच कहता हूँ, सादिक तुम्हारी रजिया पर आशिक हो गया था, इसलिए उसने चाहा कि महमूद के हाथ से तुम्हें मरवा डाले। तू भी तो उसका साथी है बदमाश। अरे मेरी नजीर भैया इस बन्नो की जान की कसम, आज से मैंने सादिक की दोस्ती छोड़ दी। लो मैं अपना कान पकड़ता हूँ। अब कान पकड़ता है जब असलम और सलमा को मार डाला? अरे क्या बात करते हो नजीर भैया, इन सबको सादिक ने मारा। एक कमजोर आँख पर सुलम धाने वाले शैतान, निकल जाए यहाँ से, आज से मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ये तू बन्नो? मैं बन्नो हूँ जिसके सामने तूने अपने गुनाहों का खुद इकरार किया है कि तू एक शैतान का साथी है। मगर अब मैं तुम्हारे सामने तौबा भी तो करता हूँ। तौबा करो उस रजिया के आगे जो तुम लोगों की बदौलत मुसीबतें उठा रही है। जाओ और उससे माफी मांगो। जाओ। रजिया तू अब भी जिंदा है? जिस घर में तेरा कदम जाता है वहीं सफ़े मातम बीत जाती है। घर के घर तबाह करने वाली डाइन, तुझे अब भी जिंदा रहने की हविस है? तो तू फतुश पर और तेरे नसीब पर जा। गैरत हो तो डूब मर, ताकि दुनिया तेरी नहुसत से पाक हो जाए। तेरा चैन तेरा आराम तुझे अब सिर्फ मौत की गोद में मिल सकता है, और कहीं नहीं। सच है इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। तू रजिया, ओ रजिया, चल हट यहाँ से, चुड़ैल का कहीं साया ना पड़ जाए। तोबा तोबा, ये तो खूबसूरत बला है, बला। ये तो प्लेग की बीमारी से भी बढ़कर है, मनहूस कहीं की। अरे भैया जाने कितनों को खा चुकी है ये। अल्लाह रे भेजो, किसका नाम ले रहे हो? सारे गांव को तबाह करके जा रही है। अख छू तेरी सूरत पर। ऐसा गुनाह किया जो तुम लोग चांस से मरने भी नहीं देते? तुम्हें मर जाने दे तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? रजिया मुझे माफ कर दो। खबरदार जो मेरा हाथ पकड़ा। बहन का हाथ भाई ना पकड़ेगा तो और कौन आएगा?
भाई? हाँ। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों पर कभी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम भी उसी शैतान के साथी हो। नहीं रजिया, उस शैतान पर लानत भेजते हुए तुम्हारे आगे मैं शर्म से सर झुकाता हूँ। आज तक तुमने जिस कदर भी दुख उठाए वो सब साजिद की बदौलत। उसकी दोस्ती में हमने तुम्हें बर्बाद किया, मगर अब ये तुम्हारी हालत हमसे नहीं देखी जाती। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। क्या, मैंने माफ किया? मगर अब भाई अपनी बहन को दर बदर की ठोकरे खाने को नहीं छोड़ सकता। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे शौहर से तुम्हें जरूर मिला दूंगा। क्या वो जिंदा है? हाँ, नजीर जिंदा है, मुझ पर भरोसा रखो। चलो मेरे साथ। अगर तुम मासूम हो तो फिर ये मुमकिन है कि वो तुमसे इम्तिहान लेना चाहता हो। इम्तिहान? आपने सच फरमाया शाह साहब, शायद वो मेरा ये इम्तिहान लेना चाहता है कि इस मजबूरी के आलम में मैं अपनी नेक बीवी को इस मुसीबत से बचा सकता हूं या नहीं। मैं चाहता हूं आप मेरे हक में दुआ फरमाइए शाह साहब। बेटा, मैं तो तुम्हारी तरह एक गुनाहकार इंसान हूं। तुम पीर सैयद के मजार पर जाकर गिड़गिड़ाओ, वो खुदा के नेक बंदे हैं, वली अल्लाह है, उनके वसीले से खुदा तुम्हारी मुश्किलें आसान कर देगा। तुमने सुना नहीं कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें? सरकारे मदीना, मुख्तारे मदीना, सरकारे मदीना, मुख्तारे मदीना, सीना है मेरा तेरी मोहब्बत का खजाना, सीना है मेरा तेरी मोहब्बत का खजाना, सरकार मदीना, सरकारे मदीना, मुख्तारे मदीना। दरियाए अलम वो है नहीं जिसका किनारा, दरियाए अलम वो है नहीं जिसका किनारा, है तेरा सहारा, है तेरा सहारा, तूफान से अब तू ही बचा मेरा सफीना, तूफान से अब तू ही बचा मेरा सफीना, मुख्तार मदीना, सरकारे मदीना, मुख्तारे मदीना, सरकारे मदीना, मुख्तारे मदीना। तेरे सिवा कौन है जिसमें वाले, अब तेरे सिवा कौन है जिसमें वाले, जो मुझको बचा ले, जो मुझको बचा ले, मर मर के जिए जाऊं ये जीना नहीं जीना, मर मर के जिए जाऊं ये जीना नहीं जीना, सरकार मदीना, सरकारे मदीना, मुख्तारे मदीना, सरकारे मदीना, मुख्तारे मदीना। भीगी हुई पलके है धड़कता हुआ सीना, सरकार मदीना, मेरे मुंह अच्छा हो गया। आपकी दुआ कबूल करवा ली खुदा ताला ने। सादिक, ये तू क्या कर रहा है?
एक मजलूम औरत को सताने से तुझे क्या मिल जाएगा? वो औरत जिसने मेरे दिल का सुकून, मेरी रातों की नींद और मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है, वो मजलूम है? बेशक वो मजलूम के साथ पाक दामन भी है, इसलिए तू अपने नजीस हाथ उसकी तरफ बढ़ाने से पास आ जा। आज आ जाऊं और अपने गुनाहों को बेलज़्ज़त छोड़ दूं, जिसके लिए मैंने नजीर की दोस्ती के सायादार दरख्त को उखाड़ डालने की कोशिश की, सलमा की जान ले ली, महमूद को हमेशा के लिए सुला दिया, असलम का खून बहाकर चौधरी के अरमानों में आग लगा दी, उस रजिया से हाथ धो लूं? ये नहीं हो सकता। जिस दिल की खुशी के लिए मैंने इतने घर बर्बाद किए हैं, उसे आबाद करना ही होगा। उन्हें शैतान अगर सुन सकता है तो सुन ले, तेरा समीर भी तुझ पर और तेरे इरादों पर लानत भेज रहा है। खामोश। उस्ताद, ये तुम्हारे सताए हुए मजलूमों का खून कर अब ये इरादा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे जुल्मों की कहनावनी तस्वीर देकर तौबा कर ली है। सारी तुम साकेत के साथी होकर उस नाम दिखाई देने वाले से डर गए? खबरदार जो उसकी शान में कुछ कहा, जाओ उसे कह दो कि साकेत को उसके इरादों से रोक सकता है तो रोक ले। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आदिल, अब भी लौटा, क्योंकि मैंने रजिया को बता दिया है कि नजीर जिंदा है। अंसारी, तूने ये राज बताकर अपनी जिंदगी के और दिन भी कम कर लिए। कुछ परवाह नहीं, खोया हुआ ईमान तो वापस मिल गया। मैं भी तुझे तौबा की मदद देता हूँ, इसलिए कि पहले मुझे रजिया की जिद के सर को चलना है। मगर रजिया उन कमजोर औरतों में से नहीं है। जानता हूँ कि वो शोहर परस्त है, इसलिए अब मुझे नजीर की आड़ लेकर उसे जीतना है। अच्छी बात है, तो मुझे भी अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए सारे गांव से मदद लेनी होगी। वजीर, तुम जाओ पुलिस को इत्तला कर दो। बहुत अच्छा, मैं भी जाता हूँ। जुमा, श्रावण, तो मेरा साथ देगा या नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं सादिक बाबू? आपका साथ नहीं दूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? अच्छी बात है, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फरमाइए। मैं रजिया को उसे घर से लाने जा रहा हूँ, तुम्हें बाहर पहरा देना होगा। नजीर अंसारी कोई भी ऐसी जान से मार डालना, समझे? ऐसे ही होगा सादिक बाबू। दीवाना रजिया, मेरे अरमानों को देख, मैं खून में डूब कर भी तेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ। मैं चाहती हूँ तू अपने हाथ तौबा के लिए उठा ले, वरना देख आसमानी कहर आजाब तू जैसे जालिम को मिटाने के लिए कौनती हुई बिजलियों में बेताब और बेकरार है। रजिया, ये बिजलियां, ये आंधी, ये तूफान सादिक के अरमानों की दीवार नहीं ढा सकते, सादिक की बेपनाह मोहब्बत पर अपना असर नहीं बिठा सकते। उसकी आंख में जलकर मोहब्बत के नाम को बदनाम करने वाले शैतान। रजिया, आज तक तुम मेरी मोहब्बत और मेरे अरमानों को नफरत की ठोकर लगाती हुई चली आई हो, मगर याद रखो आज मैं मुद्दत के मचलते हुए अरमानों को जरूर कामयाबी का सेहरा बनाऊंगा। मगर उस वक्त रजिया के जनाजे पर मौत का सेहरा बंधा होगा, उसके जिस्म और जान का रिश्ता टूट चुका होगा।
देखता हूँ तू मेरे पंजे से अपना दामन इस्मत कैसे बचाती है। मेरे हाथों से तुझे कौन बचा सकता है? वही खुदाए पाक जिसने इब्राहिम को आग से, यूनुस को मछली के पेट से और नूह की कश्ती को तूफान से बचाया था। ये सब किस्से कहानियाँ कमजोर दिलों की तसल्ली बन सकती हैं, मगर सादिक के फलादी अरमानों को नहीं सुना सकती। खुदा के लिए उसकी कुदरत का मजाक मत उड़ा। वरना क्या होगा? वही जो शद्दाद, नमरूद और फिरौन का हल हुआ है। मैं उस वहदहुला शरीक की कसम खाकर कहता हूँ कि नजीर जिंदा है। इस राज को मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। ये सब सादिक की चालबाजी है। बातों की तकरार खाकर मेरे गुस्से की आग को तेज न कर, वरना जान से जाएगी। मौत की धमकी, औरत की किस्मत और उसके ईमान का खजाना कभी नहीं लूट सकती। मगर तुम्हें आज मुझसे निकाह करके मेरे अरमानों का बात करना ही होगा। दगाबाज, रजिया जानती है कि उसका शोहर अभी तक जिंदा है। मगर वो इस घर में अब जिंदा नहीं आ सकता। मेरा साथी उसकी जान देने के लिए दरवाजे पर बैठा है। ओ जालिम शैतान, तुझे इंसान के खून से हाथ रंगती हुई शर्म नहीं आती? शर्म, हया, ईमान, ये सब बुजदिल इंसानों के दिल का सहारा है। सादिक इन बातों में आने वाला नहीं। बोल, सही तरह मानेगी या नहीं? परवरदिगार, ये मेरे इम्तिहान की आखिरी घड़ी है। अपने प्यारे हबीब पाक के सबसे में मेरी इज्जत, मेरी आबरू का पर्दा रख ले। रजिया, अब तेरी जुबान पर सादिक का नाम होना चाहिए, वो भी मोहब्बत और प्यार से। सादिक के दिल में हवस के शोले भड़क रहे हैं और नजीर के घर को आग लगाकर अपना दिल ठंडा करना चाहता है। सादिक ने रजिया को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? मैं तुझसे रहम और इंसाफ की भीख मांगती हूँ। खुदा के वास्ते तू मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। आखिर हुस्न को मोहब्बत के कदमों पर सर झुकाना ही पड़ा। उठो रजिया, तुम्हारी जगह कदमों में नहीं, मेरे दिल में। कमीने, औरत की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि जिसे तेरे नापाक हाथ भी उसे छू सके। अब तुझे अपनी जान, इज्जत और अरमानों का सौदा मेरे हाथों करना ही पड़ेगा। हरगिज नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस को भी इज्जत पर कुर्बान कर दूंगी, मगर औरत की जात पर कभी धब्बा ना आने दूंगी। देख कहीं ऐसा ना हो तेरी जिद को ही तेरी लाश पर मातम करना पड़े। उस मौत पर हजारों जिंदगियां भी सदके जो किसी बेकस की इज्जत को बचा ले। इस वक्त तेरी मौत भी खुदा के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मालिक, औरतों पर हाथ उठाकर मर्दों के नाम पर धप्पा लगाने वाले शैतान कौन? नजीर? हाँ, तेरी फिरौनत का सर कुचलने के लिए कुदरत ने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। मैं इस वक्त भी तुझे अपना दोस्त समझते हुए एक बार फिर मौका देता हूँ कि तू सादिक के खूनी पंजे से अपना गला बचाकर निकल जा। चुप रहे कमीने, तूने दोस्ती के नाम को जहन्नम की आग में झोंक दिया है। तूने दोस्ती के पर्दे में वो शिकार खेला है कि दुनिया वाले ता अहमद तेरे नाम पर थूकते रहेंगे। बेवकूफ, इस भूल का जिम्मेदार सादिक नहीं, तू है। हाँ, वो मेरी भूल यही थी कि मैंने तुझ जैसे खुखार जानवर को अपना दोस्त समझा। बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस मासूम रजिया ने तेरी कौन सी खता की थी? उन असलम और सलमान ने तेरा कौन सा गुनाह किया था जो तेरे इन जालिम हाथों ने मसल कर रख दिया? आज उन्हीं का खून नाक मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तेरा खून बहा दूं। नजीर, तेरा हाथ उठने से पहले यहां से चला जा। चला जाऊं और तुझे जिंदा छोड़ दूं? का वास्ता, तुझे माफ कर दूं?
कि कलमे बकने वाले आज इस नजीस मुंह से खुदा और रसूल का वास्ता देता है, तुझे शर्म नहीं आती? कलमे मेरे भाई, भाई का नाम ना ले। नजीर, मुझे तौबा कर लेने दे। सैयद बादशाह, आप ही मेरी मदद कीजिए। मौला, कमीने, देख, तेरे लिए तौबा का दरवाजा भी बंद हो गया है। चलो मम्मी। सितमगर 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 से लेता है तू इंतकाम के है हाकमुल हाकमी तेरा नाम सदाकत तेरी जब हुई जलवा गए झुके सरकशों के तेरे आगे सर जुदा भी करे तू मिलाए भी तू उजाड़े भी तू और बसाए भी तू तेरी कारसाजी तेरी कारसाजी बात बेनियाज तेरा किस जबान से शुक्र अदा करूं तूने तो मुझे निहाल कर दिया मेरा एक चिराग बुझाकर दो नूर अता फरमाए जिससे मेरे सब्र का पर्दा रह गया ना नहीं